मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्टली वेलकम करता हूं। आज मैं एक महत्वपूर्ण विषय मोटर एक्सीडेंट क्लेम से संबंधित है। सड़कों पर आम दुर्घटनाएं वाहन चलते हैं होती है और इस वाहन दुर्घटना हो जाने के कारण यदि मोटर एक्सीडेंट क्लेम में कोई केस फाइल किया गया है तो क्या कार्रवाई होती है, उस अवार्ड को क्या ड्राइवर और मालिक पर लगाया जाता है, क्या इंश्योरेंस कंपनी लायबल होती है, सारे इश्यूज इस वीडियो में कवर करने जा रहा हूँ। वीडियो महत्वपूर्ण है, शुरू से अंत तक देखिए, चैनल से जुड़े रहिए। आपसे एक और अनुरोध है कि अभी जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, रोजाना मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, मैं हृदय से उनका आभारी हूँ। कृपा करके वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबा लें, जिससे आने वाले नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन रोजाना उन्हें मिलते रहें। अब मैं विषय पर आता हूँ। इसमें मेन चीज यही है कि क्या ड्राइवर या मालिक या दोनों के विरुद्ध एमएसीटी कोर्ट द्वारा अवार्ड किया जाता है, वो चाहे मारपीट, चाहे वो चोट से संबंधित हो, चाहे वो मृत्यु से संबंधित हो, तो क्या वो अवार्ड की राशि ड्राइवर या मालिक अगर बीमा कंपनी ने अदा नहीं की है तो क्या उनकी प्रॉपर्टी वगैरह अटैच की जा सकती है और क्या उनसे वो क्लेम लिया जा सकता है? इसका उत्तर है हाँ में। तो मालिक द्वारा अगर और ड्राइवर द्वारा वो नहीं दिया जाता है तो क्या उनको जेल हो सकती है? तो मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। वीडियो शुरू से अंत तक देख ही रहे हैं आप। और एमएसीटी अवार्ड जब भी पारित होता है उसको अगर वो ड्राइवर या मालिक सक्षम नहीं है तो क्या होगा, ये आगे आपको बताऊंगा। वीडियो को अंत तक देखें, स्थिति जानकारी समझ में आएगी, क्या इसके लीगल प्रोविजन है, क्या विधिक प्रावधान है। तो अगर उसकी प्रॉपर्टी नहीं है तो क्या होगा? ड्राइवर पर सबसे पहले वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, दूसरा ड्राइवर पर वैलिड एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट होने के समय इंश्योरेंस भी होना चाहिए। सामान्यतः प्रोसिक्यूशन की तरफ से पुलिस थाने में दुर्घटना की रिपोर्ट होते ही एक धारा 279, 337, 338 अगर कोई चोटें आई हैं, या 304A यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, और धारा 427 IPC के ऑफेंसेस में क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन होता है जो पुलिस थाने द्वारा विवेचना उपरांत न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होता है, इसकी ट्रायल पूरी चलती है। दूसरा केस उस व्यक्ति के द्वारा जो विक्टिम है, जिसके चोटें आई हैं या जिसके यहाँ के परिवार का कोई मर गया है, उसके रिश्तेदारों द्वारा मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल में लगाया जाता है। ये सिविल प्रकृति का दावा होता है। मोटर एक्सीडेंट क्लेम के लिए पूरा दावा, जवाब दावा, जो भी आपने पार्टी बनाई है, चाहे वो ड्राइवर हो, मालिक हो या बीमा कंपनी हो, उनके विरुद्ध लगाया जाता है। तो ये मोटर एक्सीडेंट का जो दूसरा केस है ये एमएसीटी क्लेम कहलाता है, और इसमें विक्टिम की ओर से जिसने भी लगाया है कंपनसेशन के लिए मोटर एक्सीडेंट की भी कई धाराएं, धारा 142 और धारा 166 मोटर व्हीकल एक्ट मोस्टली लगाई जाती है। पैरेलली दोनों केस चलते हैं। प्रोसिक्यूशन शासन की ओर से जैसा मैंने बताया, सबसे पहले 279, 337, 338, 427 और 304 IPC का मामला अलग से चलता है, दूसरा विक्टिम की ओर से ये मोटर एक्सीडेंट क्लेम का ट्रिब्यूनल चलता है। तो एमएसीटी का जो केस है उसके प्रूव करने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस एट द टाइम ऑफ व्हीकल, उस समय दुर्घटना के समय वैलिड होना चाहिए, वैलिड इंश्योरेंस भी होना चाहिए, थर्ड पार्टी वगैरह हो या ऑल डैमेजेस जो भी कवर्ड हो। तीसरा, ड्राइवर ड्रिंकर नहीं होना चाहिए। अगर ड्राइवर ड्रिंकर है, शराब पी रखी है उसने और इंश्योरेंस उसके कंपनसेशन के अमाउंट को नहीं देता है तो, और मालिक के विरुद्ध कर देता है, तो मालिक को वो केस कंटेस्ट करने के बाद पूरा अवार्ड की राशि, कंपनसेशन की राशि उस विक्टिम के परिवार के लोगों को देनी होगी। तो इसमें पूरा प्रोसीजर चलता है, नोटिस जाता है, पार्टीज अपना अपना रिटन स्टेटमेंट पेश करती है, इश्यूज बनते हैं, दोनों पार्टीज की एविडेंस होती है और दोनों की पार्टीज की बहस सुनने के बाद न्यायालय एमएसीटी का कोर्ट जज उसमें अवार्ड या कंपनसेशन का अवार्ड पास करता है। यदि वो क्लेम देने से मना करता है, मेरे नाम कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कंपनसेशन अवार्ड मैं किस तरह से दूंगा, तो कंपनसेशन का जो भी अवार्ड है वो कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पर है, सारी उसकी एज वेजेस, उसकी कितना वो जीवन जीता, सारे पर क्लेम को सेटिस्फाई करना होगा। और रिकवरी के लिए अगर इंश्योरेंस ने मना कर दिया है कि साहब ये ड्रिंक किए था, तो ड्राइवर मालिक की प्रॉपर्टी से वो सब अटैच किया जाएगा। एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग लगानी होती है, कई बार इंश्योरेंस लगाती है, कई बार वो पार्टीज लगाती हैं, और बड़े स्पष्ट इसमें प्रावधान है कि अगर मकान उसका नहीं है, प्रॉपर्टी अगर उसकी एसेट्स की नहीं है, तो ऑर्डर 21 रूल 32 CPC के तहत उसे सिविल प्रिजन में भी 3 महीने तक के लिए ड्राइवर हो चाहे मालिक को भेजा जा सकता है। अगर उस समय वो सेटिस्फाइड डिक्री को नहीं कर पाता है तो 12 साल के अंदर जब जब उसके पास ऐसी स्थिति होगी उससे वो सारी
जो भी अवार्ड की राशि है कंपनसेशन वो रिकवर की जा सकती है। तो मैंने ये आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी, सड़क दुर्घटना का MACT जो भी क्लेम है, क्या ड्राइवर और मालिक के न देने पर उन्हें जेल की सजा हो सकती है, इस बारे में प्रावधान बतलाए। आशा करता हूँ मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको सरल भाषा में समझ में आ रही होगी। और चैनल से जुड़े रहिए, आपका हार्दिक स्नेह मुझे मिल रहा है। एक और अनुरोध, मेरी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना शर्मा का भी YouTube पर एक चैनल अर्चनाज आरटी हब है। यदि अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो उसके भी चैनल से जुड़ जाइए, वीडियोस देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस वीडियो में यहीं तक, धन्यवाद, नमस्कार।